नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चैती छठ का पहला अर्घ्य आज। आज है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। बिहार में बढ़ेगा मछलियों का उत्पादन। अलग अलग किरदारों में खुद को ऐसे ढालते हैं मनोज वाजपेयी। अकाउंट बैलेंस शून्य होने पर नहीं लगेगी पेनल्टी। आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपके पास पहुंचेंगे विभाग के अधिकारी। आईपीएल 2024 में आज केकेआर, वाईएलएसडी और एमआई बनाम सीएसके का मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं और 12वीं पास होने पर इस सरकारी नौकरी के लिए करें आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश में कई लोग हैं, ऐसे में 10वीं और 12वीं पास होने पर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 19 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। फिलहाल इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। DSSB के इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://dssb.delhi.gov.in पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट के माध्यम से अन्य जानकारी भी ली जा सकती है। इसमें 414 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति ली जाएगी। ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ आदि पदों पर बहाली ली जाएगी। चैती छठ का पहला अर्घ आज। चैती छठ का आज पहला अर्घ है। आज के दिन शाम में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कल सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीते दिन खरना था और लोगों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया था। मालूम हो कि छठ बिहार के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसे साल में दो बार मनाया जाता है। एक बार कार्तिक के महीने में तो एक बार चैत्र महीने में छठ मनाने की परंपरा है। चैती छठ को पूरे राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये बिहार की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। आज के ही दिन 1891 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंबेडकर साहेब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था और इसे हटाने की मांग की थी। मालूम हो कि इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जो कि जाति, धर्म, नस्ल या संस्कृति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अंबेडकर जी ने अछूतों के बुनियादी अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में बढ़ेगा मछलियों का उत्पादन। बिहार में मछली उत्पादन को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर चौर विकास योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री समेकित और विकास योजना में साल 2011 से लेकर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, सारण और गोपालगंज में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद अब इसे सभी जिलों में सघनता से लागू किया जाएगा। इसके पीछे पशु एवं मत्स्य विभाग का मकसद है कि इस साल योजना का क्रियान्वयन तेजी से हो और सभी जिलों में ये लागू हो जाए। इस योजना की सहायता से मछली का उत्पादन 8,46,000 होने की संभावना जताई जा रही है। चौर विकास योजना के तहत कुल भूमि के 60% में तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अकाउंट बैलेंस शून्य होने पर नहीं लगेगी पेनल्टी। अकाउंट बैलेंस शून्य होने पर पेनल्टी को लेकर गाइडलाइन है। इसके अनुसार माइनस बैलेंस की स्थिति में एक भी पैसा नहीं देना है। बैंक आपसे इसके लिए पैसा नहीं वसूल सकता है। बिल्कुल मुफ्त में बैंक खाते को बंद करवाया जा सकता है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार अगर बैंक आपके खाते में माइनस में डालकर पैसे चुकाने के लिए कहता है तो आप RBI से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://rbi.org.in पर विजिट करना होगा और इसकी शिकायत दर्ज करनी होगी। साथ ही RBI के हेल्पलाइन नंबर पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके बाद बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। रोहतास में प्राचीन धूपघड़ी फिर से हुई चालू। बिहार के रोहतास जिले में प्राचीन धूपघड़ी को फिर से चालू किया गया है। वहीं 2 साल पहले इसकी चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक भंगार वाले को गिरफ्तार किया था। टेक्नीशियन के साथ ही कुशल मजदूरों की मदद से इसे फिर से स्थापित कर दिया गया है। इस बार इसके साथ ही इसकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ बाउंड्री वॉल का भी निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि ये पूरे राज्य में अपने तरीके से एकमात्र घड़ी है। अंग्रेज सरकार ने साल 1871 में इसे स्थापित किया था। सूर्य की रोशनी में समय बताती है।
जॉब ऑफर आने पर ऐसे करें असली और नकली कंपनी की पहचान। कई बार ऐसा होता है कि जॉब ऑफर आने वाली कंपनी फेक होती है। कई बार लोग नकली कंपनी के चक्कर में फंस जाते हैं और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय किसी भी कंपनी की सत्यता जांचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mca.gov.in पर जाकर कंपनी की सत्यता की जांच की जा सकती है। इससे इस बात का पता लग जाता है कि कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है या नहीं। रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी कंपनी के बारे में जानकारी ली जा सकती है। वहीं किसी भी कंपनी की वेबसाइट देखने के दौरान अगर आखिरी में लॉक का चिन्ह दिखता है तो वो वेबसाइट असली होती है। अलग अलग किरदारों में खुद को ऐसे ढालते हैं मनोज वाजपेयी। बिहार में मनोज वाजपेयी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाते हैं। इन्होंने प्राची देसाई के साथ फिलहाल साइलेंस 2 में काम किया है। ये OTT पर रिलीज होने वाली है। इसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी पुलिस अफसर बनकर लोगों से लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। अभिनेता ने अपने इस किरदार को लेकर अमर उजाला से बातचीत की है। इसमें उन्होंने बताया है कि थिएटर में कई सालों तक काम करने के बाद एक खास तरह की ट्रेनिंग हो जाती है। मैं फिल्मों के किरदारों को पुलिस वाले या अपराधी के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। मेरे लिए ये मायने रखता है कि ये आदमी क्या है, ये कैसे सोचता और किस कारण इसके अंदर बदलाव आया है। मनोज वाजपेयी की अब तक की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। स्कूलों में अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या में इजाफा। बिहार के स्कूलों में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सख्ती के वजह से स्कूलों में अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या में कमी दर्ज की गई थी। हिंदुस्तान पोर्टल पर छपी खबर के अनुसार राज्य के स्कूलों में अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई थी। वहीं अब इसमें फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये संख्या अब 300 के आसपास पहुंच चुकी है। विभाग के रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। राज्य भर में स्कूलों में ही हो रहे निरीक्षण से ये बात सामने आई है कि रोजाना औसतन 300 से अधिक शिक्षक स्कूलों में नहीं होते हैं। पदाधिकारी के द्वारा सघन निरीक्षण के बाद इस बात का खुलासा किया गया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जयप्रकाश उद्यान के बारे में। जयप्रकाश उद्यान सहरसा जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये उद्यान सहरसा जिले के बीचों बीच स्थित है। ये उद्यान सहरसा जिले में मत्स्य गंधा पथ पर स्थित है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस पार्क में आपको चारों तरफ पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले भी लगाए गए हैं जिसमें बच्चे काफी एंजॉय कर सकते हैं। ये पार्क सहरसा नगर निगम के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस पार्क में आपको प्रवेश के लिए टिकट लगता है। यहाँ पर आपको छोटा सा जलकुंड भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको बत्तख भी देखने के लिए मिलेंगे। पार्क के बाहर पार्किंग की भी व्यवस्था है। ITR फाइल नहीं करने पर आपके पास पहुंचेंगे विभाग के अधिकारी। इनकम होने के बाद ITR फाइल नहीं करने पर आपके पास इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने 1,52,00,000 ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्होंने इनकम टैक्स होने के बाद भी टैक्स में कटौती की है। इन्होंने टैक्स रिटर्न को दाखिल नहीं किया है। अब इनकम टैक्स के अधिकारी इनके पास जाकर के जानकारी देंगे कि ITR को फाइल करना क्यों जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने इसको लेकर आदेश दिया है। 15 अप्रैल से ऐसे लोगों के बीच पहुंचा जाएगा। मालूम हो कि रिटर्न फाइल नहीं करने वाले लोगों का डेटा विभाग के पास है। शिक्षा विभाग के नाम पर फर्जी लेटर निकालने वाले लोगों के खिलाफ होगा एक्शन। शिक्षा विभाग के नाम पर फर्जी लेटर निकालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एक पत्र के वायरल होने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की बात कही है। मालूम हो कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी होगी। इसमें कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग का एक फर्जी लेटर वायरल हुआ था। इसमें कहा गया था कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाएं समान रूप से चलेंगी। इस पत्र का शिक्षा विभाग ने खंडन किया है और कहा है कि ये फर्जी लेटर है। गर्मियों की छुट्टी में सामान्य कक्षाओं के बच्चों की छुट्टी रहेगी। पूर्वा हवा के कारण कई जगहों पर तापमान में आई कमी। प्रदेश में कई जगहों पर पूर्वा हवा का प्रभाव देखने को मिला है जिसका प्रभाव बिहार के दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई गई थी। प्रदेश में आज मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की बात कही गई है तो वहीं कुछ जगहों पर 22 से 24 डिग्री तापमान रहने की बात कही गई है।
बॉर्नविटा को हेल्थ कैटेगरी से हटाने का आदेश। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स वेबसाइट को बॉर्नविटा सहित अन्य पेय पदार्थों को हेल्थ कैटेगरी से हटाने का आदेश दिया है। सरकार के नए आदेश से बॉर्नविटा और अन्य प्रमुख ब्रांडों को बड़ा झटका लगा है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है कि अपने संबंधित प्लेटफॉर्म पर बॉर्नविटा सहित अन्य पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दिया। FSSAI की ओर से ई कॉमर्स वेबसाइट को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं करने के लिए कहा गया था। इसके बाद अब मंत्रालय का यह आदेश आया है। रामनवमी के मौके पर पटना में कई इलाकों पर वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। बिहार में 17 अप्रैल को रामनवमी का आयोजन हो रहा है। ऐसे में पटना जिले में प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए तैयारी की गई है। ऐसे में हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले अलग अलग रास्तों को बंद किया जाएगा। CCTV कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। 16 अप्रैल की शाम से 17 अप्रैल की देर शाम तक SP वर्मा रोड, फ्रेजर रोड, डाक बंगला से वीर कुंवर सिंह पार्क तक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रामनवमी की पूजा के दौरान भारी वाहनों को करवरी गहिया तक जाने की अनुमति होगी। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जदयू में शामिल। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जदयू में शामिल हो गए हैं। बीते शनिवार को जदयू की पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राज्यसभा से सांसद संजय झा मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में अशफाक करीम ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली है। इस दौरान इन्होंने कहा कि राजद में जाति गणना के अनुसार मुसलमान लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। राजद को मुसलमान का 90% वोट मिलता है। लालू प्रसाद यादव से हकमारी को लेकर बातचीत की थी। अशफाक करीम ने कहा है कि भाजपा के साथ होते हुए भी नीतीश कुमार ने मुसलमानों को सहेज कर रखा है। तेजस्वी यादव ने बताया कैसे 1 करोड़ नौकरी देना संभव। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी दी है कि वो किस तरह से 1 करोड़ नौकरी देंगे। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने 19 लाख लोगों को नौकरी देकर बदल जाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके बारे में पहले ये कहा गया था कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी कैसे देंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से लेकर आएगा, लेकिन हम लोगों ने सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र बंटवाया है। जब 17 महीने में इतनी नौकरी दी जा सकती है तो पूरे देश में ये क्यों नहीं हो सकता है। जनता ने ताकत दी है तो हम ये संभव करके दिखाएंगे। राजद के घोषणा पत्र पर भाजपा जदयू के साथ ही चिराग पासवान ने बोला हमला। राजद के घोषणा पत्र पर भाजपा जदयू के साथ ही चिराग पासवान ने हमला बोला है। इसमें तेजस्वी यादव ने बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। इस घोषणा पत्र को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 20 करोड़ बोलना चाहिए था। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता में तेजस्वी यादव के परिवार के लोग लंबे समय तक रहे हैं, उस दौरान लोगों को कैसे नौकरी मिली ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि लालू परिवार ने ये नहीं बताया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए जमीन कितने लोगों की लेंगे, ये परिवार सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकती है। आज भाजपा जारी करेगी घोषणा पत्र। बीते दिन बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद का घोषणा पत्र जारी किया था। वहीं कांग्रेस ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। इसके बाद आज भाजपा इसका जवाब देगी और संकल्प पत्र जारी करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यों की समिति ने संकल्प पत्र को तैयार किया है। इसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र को लेकर आने वाले समय में देश हित में होने वाली चीजों के लिए सुझाव मांगे गए थे। भाजपा को कुल 5 लाख लोगों का सुझाव प्राप्त हुआ था। भाजपा के घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए गए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृजसेन पटेल ने राजद से दिया इस्तीफा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद बृजसेन पटेल ने राजद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने RJD के उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजद को इस तरह से बड़ा झटका लगा है। बृजसेन पटेल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपना इस्तीफा भेजा है। बृजसेन पटेल के बारे में बता दें कि वो बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। बृजसेन पटेल ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी को कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है।
आईपीएल 2024 में आज केकेआर व एलएसडी और एमआई बनाम सीएसके का मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज केकेआर व एलएसडी और एमआई बनाम सीएसके का मुकाबला होने जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज 28वां मुकाबला होगा। केकेआर की टीम 4 में से 3 मैच जीत चुकी है। अंक तालिका में ये टीम दूसरे नंबर पर है। वही लखनऊ की टीम ने 5 में से 3 मैच जीता है और ये चौथे पायदान पर है। इधर आईपीएल का 29वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई की टीम के बीच होगा। चेन्नई की टीम ने अब तक 5 मुकाबला खेला है, इसमें से 3 में जीत दर्ज की है। ये टीम 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर है। वहीं मुंबई ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। आपके अनुसार केकेआर व एलएसडी और एमआई व सीएसके में आईपीएल 2024 का खिताब जीतने का सबसे ज्यादा चांस किस टीम का है? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया था। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 1891 में जन्म हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक एम विश्वेश्वरैया का 1962 में निधन हुआ था। सन 1944 में मुंबई के बंदरगाह में हथियारों से भरे जहाज में विस्फोट हुआ था। 1200 से अधिक मरे थे। भारत चौथी बार 1995 में एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना। 2005 में भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे की एयरलाइनों के लिए खोलने का समझौता किया था। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल संकृत्यायन का 1963 में निधन हुआ था। आज के दिन को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती और अग्निशमन दिवस को मनाया जाता है। फेसबुक मैसेंजर के लिए यह अपडेट हुआ जारी। फेसबुक को करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें समय समय पर कई तरह के अपडेट भी किए जाते हैं। वहीं अब फेसबुक की ओर से ये मैसेंजर में अपडेट किया गया है। इसके बाद अब यूजर्स अच्छी गुणवत्ता वाले एचडी फोटोज को भेज सकेंगे। 100 MB तक की फाइल को आसानी से भेजा जा सकेगा। वहीं एचडी फोटो की एक अलग पहचान हो, इसको भेजने पर एक इंडिकेटर आएगा, इसमें दाएं की तरफ एचडी बैच का सिग्नल होगा। बताया जाता है कि कम डेटा के इस्तेमाल के साथ एचडी फोटो को भेजा जा सकेगा। चैट में एचडी फोटो को भेजने के लिए अलग अलग विकल्प आएगा। बताया जाता है कि फेसबुक पर अब यूजर्स को टेलीग्राम वाली सुविधा मिलेगी। यूजर्स को 2 GB तक की फाइल मुफ्त में भेजने के लिए दी जाएगी। बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। बढ़ती गर्मी को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। बिजली की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए गैस आधारित सभी बिजली उत्पादन स्टेशनों को 1 मई से 30 जून तक अपने संयंत्रों को चालू रखने का आदेश दिया गया है। गैस आधारित उत्पादन स्टेशन यानी GBS में एक बड़े हिस्से का कुछ कारणों से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से इस गर्मी में 260 मेगावाट अधिक बिजली की मांग का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट तक गई थी। भागलपुर से सहरसा के बीच 10 सरकारी बसों का होगा परिचालन। भागलपुर से सहरसा के बीच 10 सरकारी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसमें यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। बिहार सरकार ने दोनों जिलों के बीच 10 बसों को चलाने का निर्णय लिया है। बस के परिचालन से दोनों ही जिलों के बीच की यात्रा काफी आसान हो जाएगी, कई लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने राज्य भर के 120 रूटों पर अंडर टेस्टिंग बसों के लिए आवेदन मांगा है। भागलपुर से सहरसा, बेगूसराय और पूर्णिया से भागलपुर के बीच 44 बसों का परिचालन शुरू करवाने की योजना तैयार की गई है। फिलहाल राज्य के 4 शहरों के लिए 44 बसों को चलाने की योजना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मगध की राजधानी को वैशाली किसने बनाया था? ऑप्शन ए है शिशुनाग ने, ऑप्शन बी आजाद शत्रु ने, ऑप्शन सी है उदयन ने, ऑप्शन डी है बिंबिसार ने। इसका सही उत्तर है शिशुनाग ने। नंदवंश के राजा किस धर्म को मानते थे? ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है शैव, ऑप्शन डी है वैष्णव। इसका सही उत्तर है जैन। T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी है धोनी, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है विराट कोहली। इसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किस वर्ष जारी कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 2024, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2021। इसका सही उत्तर है 2024। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नंद कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, नन्नू गोलू कुमार, गुनर शर्मा, रवि कुमार राम, बिजेंद्र सिंह, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, संजय कुमार शर्मा, नीतीश पटेल, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, पवन सिंह, नीतीश पटेल, शुभानंद ठाकुर, मनोज शाह, मोहम्मद साकिर हुसैन, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, ट्रेन में सफर के दौरान आप सबसे अधिक किस पर ध्यान देते हैं? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।